दोस्तों, क्या आपको पता है LIC एजेंट को, अभिकर्ताओं को LIC की तरफ से काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं और ये सारे बेनिफिट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ काम को सही तरीके से करना होता है और सही तरीके के करने की वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे अभिकर्ताओं को जानकारी ना होने की वजह से इन सारे बेनिफिट से महरूम हो जाते हैं। जैसे कि आपको दिवाली दशहरा मनाने के लिए पैसा, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा, बाइक खरीदने के लिए पैसा, और साथ में कहीं पर अगर कुछ ट्रेनिंग अटेंड करते हैं उसके लिए भी पैसा। इस तरीके के तमाम तरीके के बेनिफिट आपको मिलते हैं और LIC अपने अभिकर्ताओं को अलग से देती है। जो भी आप काम करते हैं उससे जो आपकी अर्निंग होती है उसके अलावा ये बेनिफिट होते हैं, जैसे कि ग्रुप मेडिक्लेम, ग्रुप इंश्योरेंस, इस तरीके की तमाम बेनिफिट। लेकिन अभिकर्ता को सही मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से इन सब चीज़ों से महरूम रह जाता है और अभिकर्ता स्ट्रगल करता रहता है, संघर्ष करता रहता है कि मैं कैसे पैसे को कमाऊँ और इस LIC एजेंसी के करियर को कैसे मैं अपने करियर में तब्दील करूँ और यही मेरा एक पूर्ण काम हो जाए, मतलब फुल टाइम काम हो जाए और इसी से मेरा भरण पोषण चले मेरे परिवार का। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही दिक्कत है दोस्तों, कि सही मार्गदर्शन ना होना, सही रास्ता ना पता होना। इस वजह से हम सारी सुविधाओं से और सारे ये बेनिफिट से हम महरूम रह जाते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि हमें मिलेगा कैसे ये। दोस्तों, आप नए एजेंट हैं और LIC को अभी आपने ज्वाइन किया है और अपने करियर इसमें बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा और इस मार्गदर्शन के बेसिस पर अगर आप चलते हैं तो आपको LIC के अंदर एक सुनहरा भविष्य बनाने का मौका मिल जाएगा दोस्तों। और बहुत सारे बेनिफिट जो मैं बता रहा हूँ, जिसके बारे में आगे जिक्र करूँगा, ये सारे बेनिफिट आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। दोस्तों, इन बेनिफिटों को हम बोलते हैं क्लब मेंबरशिप बेनिफिट। क्लब मेंबरशिप बेनिफिट में जो हमने श्रेणी उठाई है वो उठाई है BM क्लब मेंबर की। ये इनिशियल लेवल होता है क्लब मेंबरशिप का और इसके क्या क्या बेनिफिट्स, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। नया एजेंट अगर इस स्टेप को फॉलो करता है तो बहुत ही जल्दी इस क्लब मेंबरशिप को अचीव कर सकता है और ये सारे बेनिफिट जो मैंने जिक्र कर रहा हूँ, ये सारे बेनिफिट वो ले सकता है। पुराने एजेंटों की अगर बात करूँ, वो अभी तक भी क्लब मेंबरशिप नहीं बन पाया, तो उसके पीछे सिर्फ कारण यही कि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिला। और आज पुराने एजेंट होने के बाद भी अगर वो नहीं बन पाया तो उसके पीछे कारण है कि उनकी जो पॉलिसी बहुत ज़्यादा हो चुकी होंगी, लेकिन सर्विसिंग के वजह से वो नई पॉलिसी पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं पर लैप्सेशन भी हो जाता है। इस वजह से ये क्लब मेंबरशिप के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं ले पाते हैं। तो पुराने एजेंट भी अपने क्लब मेंबरशिप के बेनिफिट को कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और पूरा स्टेप दिखाएंगे कि किस तरीके से वो भी अपने इस क्लब मेंबरशिप को अचीव करके अपने सारे बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो आपसे कभी मिस ना हो सके, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, बात करते हैं BM क्लब मेंबर को कैसे, BM क्लब मेंबर का बेनिफिट को हम कैसे अचीव करेंगे या BM क्लब मेंबरशिप हम कैसे लेंगे और उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, उसको हम डिटेल में समझेंगे। मैं साथ में आपको स्क्रीन भी दिखाऊंगा जहां पे आपको समझने में आसानी होगी और इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट पे ले लेंगे ताकि आपको आगे भी जब BM क्लब मेंबरशिप के लिए आप अचीव कर रहे हो तो आप अपने टारगेट को देख सकते हैं कि आपने कितना अचीव किया है। दोस्तों, सबसे पहले हम कंडीशन को जान लेते हैं। BM क्लब मेंबरशिप की कंडीशंस क्या होती है, हम कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर लाइव्स करनी पड़ती है और जो नंबर ऑफ़ लाइफ है वो कम से कम 50 आपको करनी होती है, ये हर साल की लाइफ होती है दोस्तों। और उसके बाद आपकी जो इन्फोर्स लाइफ होती है वो 150 के आसपास होनी चाहिए, 150 मतलब 150 लाइफ आपकी इन्फोर्स होनी चाहिए। साथ में आप देखेंगे रिन्यूअल कमीशन आपका 53,000 रुपये का रिन्यूअल कमीशन होना चाहिए और फर्स्ट ईयर कमीशन विद बोनस के साथ 37,000 रुपये का होना चाहिए। मतलब अगर हम लेके चले तो आपको BM क्लब मेंबरशिप लेने के लिए आपकी कमीशन 90,000 रुपये पर एनम के हिसाब से होनी चाहिए। किसी भी क्लब मेंबरशिप को अचीव करने के लिए आपको कम से कम 3 साल का टारगेट पूरा करना पड़ता है, मतलब 3 साल जो भी टारगेट बताया जा रहा है इसको 3 साल रेगुलर अचीव करना पड़ता है, तब जाके आप 34 साल क्लब मेंबरशिप अचीव कर जाते हैं। तो जैसे हम 2023-24 की हम बात करें तो इस टारगेट को लेने के लिए हमें 2019-20 का टारगेट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लब मेंबरशिप की जो क्राइटेरिया है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का क्राइटेरिया स्टार्ट होता है, तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे हम बात करें 23-24 के क्लब मेंबरशिप के लिए, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ़ लाइफ्स कितने चाहिए, 50, इन्फोर्स लाइफ कितनी चाहिए 150, मतलब 50 50 50 3 साल होगी तो 150 लाइफ इसके हिसाब से काउंट कर दिए। उसका रिन्यूअल कमीशन में चाहिए 53,000 और हमें फर्स्ट कमीशन विद बोनस के साथ चाहिए 37,000, 90,000 रुपये का टोटल कमीशन चाहिए हमें रिन्यूअल और फर्स्ट प्रीमियम कमीशन मिला करके। तो अगर हम 3 साल इसको अचीव कर लेते हैं तो हमारा क्लब मेंबरशिप बेनिफिट हमें मिल जाएगा और हम क्लब मेंबरशिप में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि नया जो भी करता है, नया भी करते को अचीव करने के लिए क्या करना होगा और किस तरीके से अचीव करेगा वो।
तो नए अभिकर्ता के लिए आप स्क्रीन पर देखेंगे 19-20 में उसने 50 लाइफ कर दी। दोस्तों आपने एक चीज़ नोट करें, हम 50 लाइफ की बात करें, पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं। लाइफ और पॉलिसी में काफ़ी डिफरेंस है, जिसकी पॉलिसी होगी उसके लाइफ होगी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी की चार पॉलिसी होगी तो चार लाइफ होगी, एक आदमी की अगर चार पॉलिसी तो लाइफ एक ही काउंट होगी। तो अब हम लाइफ्स की बात करें, 50 लाइफ्स उसने पहले साल की, तो उसके नंबर ऑफ लाइफ इन्फोर्स होगी 50। और लैप्सेशन जो रेशो है जुड़े, क्योंकि यहाँ पर लैप्सेशन का जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि आपकी 15% से ज़्यादा लैप्सेशन नहीं होनी चाहिए, तो ही आप क्लेम मेंबरशिप अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे जीरो लैप्सेशन, क्योंकि नया अभी करता है तो उसने कोई लैप्सेशन अभी नहीं है उसकी। रिन्यूअल कमीशन भी जीरो है क्योंकि नया अभी करता है, तो यहाँ पे देखेंगे उसका फर्स्ट कमीशन बना 2,25,000 रुपये, तो इसने पहले साल का क्रेडिट तो पूरा कर दिया। दूसरे साल की बात करें 2021 की, तो 2021 में 55 लाइफ्स उसने की है, 98 लाइफ उसकी फोर्स में है, और लैप्सेशन जो है 2.24% का है उसका, और रिन्यूअल कमीशन 50,000 रुपये का, और साथ में उसका फर्स्ट कमीशन जो है वो 2,50,000 रुपये का, मतलब 2,50,000 रुपये का कमीशन उसने कमा लिया फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे भी देखेंगे उसने सेकंड ईयर भी क्वालिफाई कर दिया है। अब थर्ड ईयर की बात करें, तो यहाँ पे 2021 का लेकर चले तो उसने 60 लाइफ्स की हैं, साथ में 150 लाइफ्स उसकी इन्फोर्स चल रही है, उसके बाद 9.25% के हिसाब से उसका लैप्सेशन है, यानी 15% से कम है, और उसके बाद देखेंगे 74,000 रुपये का उसका रिन्यूअल कमीशन है, और साथ में 3,00,000 रुपये का फ्रेश कमीशन है। तो जो भी जिस अभिकर्ता ने भी इसको अचीव किया है, वो अभिकर्ता 2022-23 में क्लब मेंबरशिप में एंटर कर जाएगा और वो बन जाएगा BM क्लब मेंबर। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप करते हैं अपने काम को, इस तरीके से प्लान करते हैं, तो आपको BM क्लब मेंबरशिप लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो चार्ट दिखाया है दोस्तों नए अभिकर्ता के लिए दिखाया मैंने, तो यहाँ पे हमने 19-20 ले लिया, 3 साल का रेगुलर बिजनेस ये होता है, 3 साल का रेगुलर क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, तो जाके उसको 4th साल में BM क्लब मेंबरशिप मिलती है। कोई अगर 2023-24 में ही अभिकर्ता बना है तो वो इसी तरीके से अपने कैलकुलेशन को 23-24, 24-25, 25-26, 27-27 में वो क्लब मेंबरशिप बन जाएगा, इस हिसाब से वो कैलकुलेशन कर लेगा अपने। अब हम लेके चलते हैं पुराने अभिकर्ता इस क्लब मेंबरशिप को कैसे अचीव करेगा, क्योंकि पुराने अभिकर्ता का मतलब है कि पहले से वो काम कर रहा है और इस सिस्टम में बना हुआ है और उसने काफ़ी सारी पॉलिसीज कर रखी हैं, लेकिन उसको अब क्लब मेंबरशिप अचीव करना है, उसके लिए उसको क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने क्राइटेरिया देखा, 150 लाइफ इन्फोर्स हुई थी 3 साल के अंदर, और रिन्यूअल कमीशन 53,000 का होना चाहिए, साथ में 37,000 रुपये का हमारा फर्स्ट कमीशन होना चाहिए, मतलब 90,000 रुपये की एवरेज इनकम हमारी बनी चाहिए साल के, तो जाके हम अपना क्लब मेंबरशिप पा लेंगे। तो पुराने अगर एजेंट के देखें यहाँ पे, तो हम 19-20 में देख लेते हैं इस अभिकर्ता को, इसने 25 लाइफ्स की हैं, लेकिन इस एजेंसी पुरानी है तो इसकी टोटल लाइफ इन्फोर्स जो आ रही है वो 150 आ रही है, 150 लाइफ इसकी इन्फोर्स है। तो यहाँ पे लैप्सेशन रेशियो इसका 5% का है, और कमीशन इसने 50,000 कमाया रिन्यूअल कमीशन, और 2,25,000 इसका है फर्स्ट ईयर कमीशन, तो ये भी साल इसका कंप्लीट हो चुका है, और लैप्सेशन इसकी 5% की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है। अब वहाँ पे 2021 में चले तो 21 लाइफ है उसकी, 21 लाइफ इसने की है, और 180 उसका इन्फोर्स लाइफ होगी, क्योंकि पुरानी पॉलिसी चल रही है तो वो जो इन्फोर्स वो काउंट हो गई है, तो यहाँ पे 150 पिछले साल थी, 180 साल होगी। और लैप्सेशन की बात करें तो 6% का है, और रिन्यूअल कमीशन की बात करें तो वो 1,00,000 रुपये का है, और यहाँ पे देखें तो फर्स्ट कमीशन उसका 2,50,000 रुपये का है, तो यहाँ पे दूसरा साल भी इसका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं तीसरे साल की, तीसरे साल अगर आप देखेंगे 21-22 में, तो इसने 31 लाइफ्स की हैं, और 210 इसकी इन्फोर्स होगी लाइफ्स, और 9% का लैप्सेशन है, और रिन्यूअल कमीशन इसका 1,74,000 रुपये का, साथ में इसका फर्स्ट कमीशन 3,00,000 रुपये का, जो कि बहुत बढ़िया काम है, LIC के क्लब मेंबरशिप के हिसाब से बहुत अच्छा काम है दोस्तों ये। तो यहाँ पे देखेंगे ये अभिकर्ता 22-23 में ये अपना क्लब मेंबरशिप में एंटर कर चुके हैं, क्योंकि इनकी लैप्सेशन 15% से कम है, और ये सारे क्राइटेरिया जो था नेट नंबर ऑफ लाइफ जो 150 होनी चाहिए वो भी उनके 210 हैं, तो ये पूरा कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि नए अभिकर्ता ने भी अपने आप को क्लब मेंबरशिप में एंट्री कर दी, और पुराने अभिकर्ता ने भी कर दी, लेकिन क्लब मेंबरशिप में एंट्र होने पे बेनिफिट क्या मिलने वाला है, मतलब BM क्लब का बेनिफिट क्या है, जिसके लिए हम ये भागदौड़ कर रहे हैं, जिसके लिए हम इस ट्रैक पे काम कर रहे हैं, तो इसका लक्ष्य क्या है, इससे हमें क्या प्राप्त होने वाला है, तो चलिए बेनिफिट पे बात करते हैं। दोस्तों BM क्लब मेंबर बेनिफिट की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट आता है MHR का लिमिट, यानी मेडिकल 1,000 रिपोर्ट, जो कि हम किसी भी
कस्टमर की जो पॉलिसी करते हैं और बड़े समझौते की पॉलिसी होती है तो उसका MHR हमारा डेवलपमेंट ऑफिसर साइन करते हैं या हमारे BM साइन करते हैं। तो यहाँ पे एक BM क्लब मेंबर बनने पे आपको MHR की एक लिमिट मिल जाती है कि इतने लाख तक की पॉलिसी का सिग्नेचर आपके सिग्नेचर से ही वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं टेलीफोन बिल की, उसके बाद बात करेंगे टू व्हीलर की। तो इस बेनिफिट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों मिलता है ऑफिस अलाउंस, यानी आपको स्टेशनरी के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं स्टेशनरी में हम लेके चलते हैं पेन पेंसिल डायरी पेपर, तो इसके लिए LIC आपको BM क्लब मेंबर बनने पे 1000 रुपये देती है स्टेशनरी के नाम पे। और ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है आपके कमीशन के अलावा, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता, सिर्फ आपको ये BM क्लब मेंबरशिप अचीव करनी होती है। अब बात करते हैं टेलीफोन बिल की, तो आपको टेलीफोन बिल भी मिलता है क्योंकि दोस्तों हमारे क्लाइंट पे हम अपने कस्टमर्स को ज़्यादातर फ़ोन पे ही बात करते हैं और तो फ़ोन का एक्सपेंस भी आता है। तो कहीं ना कहीं पे LIC को इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी है क्योंकि अभिकर्ता फ़ोन पे भी बात करेगा, ऑफलाइन भी बात करेगा, ऑनलाइन भी बात करेगा, तो उसका बिल बनना जायज़ है। तो यहाँ पे आपको टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम पे 1800 रुपये मिलते हैं, यानी आप 1800 रुपये तक का बिल LIC से ले सकते हैं। अब आते हैं प्रमोशनल गिफ्ट पे। LIC आपको 500 रुपये का प्रमोशनल गिफ्ट भी देती है, मतलब 500 रुपये अलाउंस दे देती है, आप उससे कुछ भी गिफ्ट खरीद सकते हैं अपने कस्टमर को देने के लिए। वो आप देखेंगे 500 रुपये में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, तो ये आपको 500 रुपये मिलते हैं जिसमें आप डायरी ले सकते हैं, कैलेंडर ले सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इस तरीके की जो प्रमोशनल गिफ्ट है इसके लिए LIC आपको 500 रुपये का अलाउंस अलग से देती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लब कन्वेंशन की। आप जब क्लब मेंबरशिप बन जाते हैं तो क्लब मेंबरशिप आपको जब क्लब मेंबरशिप मिल जाती है तो LIC आपका कन्वेंशन कराती है, मतलब आपके शहर से बाहर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजती है ताकि आप अपने इस बिज़नेस को अच्छे से समझ सकें और इस काम को और बड़े लेवल पर कर सकें। तो उसके लिए जो कन्वेंस होता है वो LIC बियर करती है, और साथ में अगर आप वहाँ पे आउट ऑफ स्टेशन गए हैं और 2-3 दिन का सेमिनार है, 2-3 दिन की ट्रेनिंग है, तो पर डे के अलाउंसेज भी आपको देती है जो कि 300 रुपये के आसपास होता है, और साथ में आपको सेकंड क्लास AC तक का टिकट भी अफोर्ड करती है। तो ये LIC आपको अपने तरफ से देती है कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए। उसके बाद बात करें बाइक की, बात करें बिना कन्वेंस के दोस्तों अभिकर्ता का काम बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल कह लीजिए अगर अभिकर्ता के पास कोई कन्वेंस नहीं तो एक तरह से हैंडीकैप है, वो काम को नहीं कर पाएगा और अपने काम के दायरे को बढ़ा नहीं सकता है। तो यहाँ पे LIC उस चीज़ को अच्छे से समझती है, और BM क्लब मेंबर बनने पे LIC आपको कहती है कि आप हमसे टू व्हीलर फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा सकते हैं 0% इंटरेस्ट पे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता दोस्तों, आप अपने नज़दीकी शोरूम पे जाएंगे बाइक के, और जो भी बाइक आपको पसंद है उसका सिर्फ परचेज कोटेशन लेकर आ जाएंगे और वो कोटेशन अपने ब्रांच को शाखा को दे देंगे, और जो भी उसका अमाउंट बनेगा एक शोरूम प्राइस वो LIC आपको उस शोरूम के मालिक को दे देगी और आप अपनी बाइक को उठा लेंगे। उसमें EMI का जो कैलकुलेशन होता है सिर्फ इस पेज पर होती है कि आपकी जो 2 साल की रिन्यूअल कमीशन इतनी होनी चाहिए कि उसकी EMI की पेमेंट आराम से निकल सके, क्योंकि 36 महीने की EMI करती है और ये सारी जो किस्तें होती है 36 महीने की, ये 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। आपको सिर्फ बाइक लेनी है और उसकी किस्तें आपके कमीशन से कटता रहेगा बिना किसी ब्याज के। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है दोस्तों जो आपको मिलता है, आप कन्वेंस ले सकते हैं LIC से, चाहे आप बाइक ले लें चाहे स्कूटी ले लें, जो भी आप लेना चाहते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं फेस्टिवल दोस्तों, जैसा कि अभी दशहरा दिवाली आने वाला है तो LIC इसका भी प्रावधान करती है कि जो भी हमारे भी करता है अच्छा काम करते हैं तो उनको हम फेस्टिवल एडवांस भी देते हैं ताकि त्यौहारों को वो अच्छे से मना सकें। तो यहाँ पे फेस्टिवल एडवांस की बात करें तो BM लेवल पे जो फेस्टिवल एडवांस है वो 15,000 रुपये का दोस्तों, और ये भी आपको 0% इंटरेस्ट में मिलता है, मतलब इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने की जरूरत है। आप 15,000 रुपये का आप अप्लीकेशन फॉर्म भर के देंगे अपना अपने ब्रांच को, और ब्रांच आपको 15,000 रुपये आपके अकाउंट में आपके फेस्टिवल के नाम पर क्रेडिट कर देगी, चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, रक्षाबंधन हो, होली हो, ओणम हो, जो भी फेस्टिवल पर आप लेना चाहते हैं आप ये एडवांस ले सकते हैं, और इसको 10 महीनों की किस्तों में यह आपसे LIC वापस आपके कमीशन से ले लेती है। लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए या एनुअल बनाने के लिए भी LIC पैसे देती है, क्योंकि हम अभिकर्ता जहाँ भी जाते हैं अपना बिजनेस कार्ड जरूर देते हैं, तो उसके लिए LIC आपको सपोर्ट करती है कि आप 300 रुपये तक का अलाउंस मुझसे ले लीजिए और या 100 रुपये विजिटिंग कार्ड के ले लीजिए, तो मतलब आपको तकरीबन 400 से 500 रुपये का आपको एक ये अलाउंस देती है जिसमें आप अपना विजिटिंग कार्ड और अपना लेटर हेड प्रिंट करा सकते हैं। अगले बेनिफिट की तो ग्रुप इंश्योरेंस का बेनिफिट है दोस्तों, 55,000 रुपये का आपको ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है विद स्पाउस के साथ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई भी प्रीमियम चार्ज नहीं करती LIC। उसके बाद अगले बेनिफिट की हम बात करें तो यहाँ पर ग्रुप मेडिक्लेम स्कीम मिलता है। BM क्लब मेंबर बनने पर आपको 2 लाख रुपये का ग्रुप मेडिक्लेम मिलता है, जिसके लिए आपको कोई प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है, और ये विद स्पाउस होता है, बच्चों के साथ नहीं होता है, आपकी वाइफ के साथ आप इसको ऐड कर सकते हैं।
तो दो लोगों का ये 2 लाख रुपए का मेडिक्लेम इंश्योरेंस, ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस LIC देती है अपने BM क्लब मेंबर को। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट की, जो कि है MHR की लिमिट, यानी मोरल हैजर्ड रिपोर्ट। जब भी हम अपने कस्टमर का कोई केस लेके आते हैं जिसकी लिमिट, जिसका सम एश्योर 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख होता है, तो वहाँ पर हमें अपने डेवलपमेंट ऑफिसर BM ABM से सिग्नेचर कराना पड़ता है, MHR के अंडर राइटिंग उनके थ्रू कराना पड़ता है। लेकिन अगर आप BM क्लब मेंबर बन जाते हैं तो यहाँ पे LIC आपको 20 लाख रुपए तक के सम एश्योर की अंडर राइटिंग की पावर आपको दे देती है, यानी कि 20 लाख रुपए तक का सम एश्योर का MHR आप खुद ही कर सकते हैं, आपके साइन से वो MHR अप्रूव्ड हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है BM क्लब मेंबर बनने का। वो अब बात करते हैं कि ये जो टोटल बेनिफिट मैंने बताए, ये जो सारे बेनिफिट बताए, इसको एक बार हम रीकैप कर लेते हैं और इसमें हम देख लेते हैं कि हमें टोटल बेनिफिट क्या क्या मिलता है। जैसे हमने बताया आपको ऑफिस के लिए अलाउंसेज मिलता है 1000 रुपये, टेलीफोन बिल मिलता है आपको 1800 रुपये तक का, सेल्स के लिए गिफ्ट मिलता है 500 रुपये का, कन्वेंशन के लिए आपको 300 रुपये पर डे के अलाउंसेज मिलते हैं, साथ में आपको 1500 रुपये तक का टिकट के पैसे मिलते हैं। उसके बाद मोटरसाइकिल मिलती है आपको इंटरेस्ट फ्री, वो आप लेके चल सकते हैं, कितने आजकल मोटरसाइकिल की कीमत लाखों से कम नहीं है। उसके बाद आपको ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है, उसके बाद आप देखेंगे मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है 2 लाख रुपए का, जिसका प्रीमियम अगर मार्केट में बताएं तो 8 से 9 हज़ार रुपये का बनेगा। उसके बाद आपको फेस्टिवल एडवांस मिलता है जो कि 15 हज़ार रुपये। तो अगर टोटल बेनिफिट को अगर हम कैलकुलेट करें, सारे फायदों को हम अगर गिने तो तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपये तक का ये बेनिफिट है, जो दोस्तों LIC आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। सिर्फ आपको इस तरीके से काम करना है जैसे हमने बताया, तो आपको ये सारे बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे और इस काम के करने का मज़ा ही अलग होगा, क्योंकि इसके बाद भी और लेवल हैं। जैसे BM के बाद देखेंगे तो ZM है, ZM के बाद CM है, CM के बाद कॉर्पोरेट क्लब है, फिर उसके बाद गैलेक्सी क्लब है, काफ़ी सारे क्लब्स हैं जिसके बारे में आने वाली वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। तो ये बेसिक था जो हर एक व्यक्ति को होना चाहिए, कि अगर आप अभी करता है तो आपको BM क्लब मेंबर तो आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको काम की लगी होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इस वीडियो को अपने और एजेंट भाइयों में शेयर जरूर करें, रिकमेंड जरूर करें, ताकि वो भी इस बेनिफिट को समझ सके। और किसी भी चीज़ से अगर महरूम रह रहे हों इस एजेंट बेनिफिट के, जो क्लब मेंबरशिप बेनिफिट है, तो उसका फ़ायदा वो उठा सकें और अपने एजेंसी को सही दिशा से चलाएँ और ये सारे बेनिफिट वो ले जाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।